इस देश में, भारत में जितना प्यार मुझे किया जाता है, मैं ये डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, बहुत कम लोगों को किया गया है। और जी हाँ, शाहरुख खान को जितना प्यार इंडिया में किया जाता है ना, उतना प्यार किसी भी एक्टर को नहीं किया जाता। इसी प्यार का नतीजा पठान के सक्सेस। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे शाहरुख खान के फिल्म्स पठान के बारे में। बात करते हैं पठान ने डे बाय डे वर्ल्ड वाइड कितना ग्रॉस कमाई किया था। तो पहला दिन 106 करोड़, दूसरे दिन 113.50 करोड़, तीसरे दिन 93 करोड़, चौथे दिन 116 करोड़, पाँचवा दिन 112 करोड़, छठा दिन 48 करोड़, सातवा दिन 41 करोड़, आठवा दिन 43 करोड़, नौवा दिन 29 करोड़, दसवा दिन 33 करोड़, ग्यारहवा दिन 51 करोड़, बारह दिन 52 करोड़, तेरह दिन 17 करोड़, चौथा दिन 16 करोड़, पंद्रह दिन 12 करोड़, सोलह दिन 11 करोड़, सत्रह दिन 13 करोड़, अठारह दिन 23 करोड़, उन्नीस दिन 22 करोड़, और 20 दिन 7 करोड़, 21 दिन 8 करोड़, 22 दिन 7 करोड़, 23 दिन 6 करोड़, और 24 दिन 6 करोड़, और 25 दिन 8 करोड़, और 26 दिन 9 करोड़, 27 डे 8 करोड़ एंड 28 डे 6 करोड़। टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन पठान ने किया है 1000 करोड़। ये कलेक्शन सिर्फ 28 दिन का है। तो पठान ने 28 दिन मिला के इंडिया से नेट कलेक्शन किया है 519 करोड़, जिसका ग्रॉस कलेक्शन होता है 625 करोड़, और पठान ने ओवरसीज से कलेक्शन किया है 377 करोड़। टोटल मिला के 1000 करोड़ हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ 28 डेज एंड वीक 4 मिला के। शाहरुख खान को सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसका ही नतीजा पठान का ह्यूज सक्सेस, जो ओवरसीज में भी बिगेस्ट कंट्री में हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाता है। जिसमें कुछ कंट्री का नाम बताते हूँ, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूएसए एंड कनाडा मिलाकर इसका कलेक्शन आता है 139, जो नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाता है। इंडिया का मिडिल ईस्ट का जिसका यूएई जिसका 110 करोड़ आता है, जो यूएई मिडिल ईस्ट का सबसे ज़्यादा कलेक्शन आने वाला मूवी इंडिया का। इसके बाद यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड प्लस आयरलैंड मिला के 42 करोड़ कलेक्शन आ जाता है, जो यूके की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाता है इंडिया का। इसके अलावा नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिजी, फिनलैंड, रशिया, इन जैसे कंट्री को भी बहुत हाईएस्ट ग्रॉसिंग बन जाता है पठान मूवी। तो मेनली क्या हुआ, ओवरसीज़ का जो 377 करोड़ का जो कलेक्शन आया, उसमें से आया है नॉर्थ अमेरिका से 139 करोड़, मिडिल ईस्ट से आया है 1010 करोड़, और यूके से आया 42 करोड़, एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब मिला के आया है 27 करोड़, एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी जो कंट्री है उस मिला के आया है 60 करोड़। टोटल हुआ 377 करोड़, जो ओवरसीज़ से आया है सिर्फ और सिर्फ 28 डेज में। ये एक रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड हमेशा रहेगा, कोई इंडियन मूवी ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। बाहर की कंट्री का हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनना कोई हलवा नहीं है, बहुत बड़ी रिकॉर्ड है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है पठान के लिए। कुछ इंडियन मूवी जिस मूवी ने एक बेंचमार्क सेट किया था 500 से 500 करोड़ का, जो बेंचमार्क कौन सा एक्टर सेट किया बताते हैं। तो 5 करोड़ का जो बेंचमार्क सेट किया था दिलीप कुमार जी ने सेट किया था मुगल आजम के मूवी के साथ। उसके बाद 10 करोड़ का जो बेंचमार्क है उसको सेट किया था अमिताभ बच्चन जी शोले के साथ। उसके बाद जो 50 करोड़ का बेंचमार्क है उसको सेट किया था सलमान खान हम आपके हे कौन इस मूवी से सेट किया था। उसके बाद 75 करोड़ का बेंचमार्क, जिसको सेट किया था सनी देओल ने इस मूवी से ना गदर मूवी से। उसके बाद 100 करोड़ के बेंचमार्क जो मिथुन दा ने सेट किया था डिस्कोडेंसा मूवी से। उसके बाद है 150 करोड़ का बेंचमार्क जिसको सेट किया था आमिर खान ने 3 इडियट से। उसके बाद है 200 करोड़ का बेंचमार्क, 250 करोड़ का बेंचमार्क, 300 करोड़ का बेंचमार्क, 350 करोड़ का बेंचमार्क जो सेट किया है आमिर खान ने। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है शाहरुख खान के नाम। शाहरुख खान ने वो काम कर दिया है जो काम कोई नहीं कर पाया, वो काम शाहरुख खान ने किया है। शाहरुख खान ने सेट किया 400 करोड़ का बेंचमार्क, 450 करोड़ का बेंचमार्क, 475 करोड़ का बेंचमार्क एंड 500 करोड़ का बेंचमार्क। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, नॉट ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो हमेशा रहेगा, जो कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये जो रिकॉर्ड शाहरुख खान ने बनाया है ना, ये रिकॉर्ड कोई भी एक्टर नहीं तोड़ पाएगा, हमेशा बन रहेगा हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड सिनेमा में। बात करते हैं पठान ने फास्टेस्ट कौन सा रिकॉर्ड किया है पठान मूवी से। तो पठान मूवी ने फास्टेस्ट डे 1 50 करोड़ नेट हिंदी बॉक्स ऑफिस, डे 2 100 करोड़, डे 3 150 करोड़, 200 करोड़ डे 4, 250 करोड़ डे 5, 300 करोड़ डे 7, 350 करोड़ डे 9, 400 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 12 डेज में, और 450 करोड़ 18 डेज में, एंड 500 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 28 डेज में पठान ने वो अचीवमेंट किया है, वो रिकॉर्ड, वो कारनामा किया है, जो किसी भी इंडियन मूवी, किसी भी बॉलीवुड मूवी कभी नहीं कर पाएगा। ऐसा बेंचमार्क पठान ने सेट किया है। ये 500 करोड़ का जो बेंचमार्क सेट किया है ना, ये 500 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 28 दिन में किया है। अब बताना ज़रूरी है कि बाहुबली जो 500 करोड़ का जो बेंचमार्क अचीव किया था ना, वो 33 डेज में किया था। इस हिसाब से पठान तो बाहुबली का बीट करता ही है। तो बात करते हैं क्या पठान बाहुबली का जो हिंदी का जो कलेक्शन है 510.99 करोड़ का रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड तोड़ पाएगा बताते हैं। तोड़ पाएगा, ऑब्वियसली तोड़ पाएगा। अभी तक पठान ने 501 करोड़ की कमाई नेट कलेक्शन हिंदी में किया है। तो अभी वेडनेसडे अभी भी 1 करोड़ कमा लेगा, थर्सडे भी 1 करोड़ कमाएगा, फ्राइडे थोड़ा सा कमाई बढ़ेगा, 1.5 करोड़ के आसपास आएगा। उसके बाद सैटरडे 1.5 करोड़ से ज़्यादा आएगा, एंड संडे 2 करोड़ आएगा। तो इस हिसाब से 501 करोड़ और प्लस 1 करोड़ 2 करोड़ मिला के 507 करोड़ हो जाएगा। तो बच रहा है कुछ 4-5 करोड़ और लाइफ टाइम में तो कमाई लेगा ना। तो बहुत इजीली पठान ने बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ देगा। पठान के कुछ ऑक्युपेंसी के बारे में जो आने वाले टाइम में रह सकता है, सो काउंट कैसा रह सकता है। तो मुंबई में लगभग इस हफ्ते 300 रहेगा, दिल्ली में 300 रहेगा,
पुणे में 100 के पास सो रहेगा ही रहेगा, बेंगलुरु में 100 सो रहेगा, हैदराबाद में 100 सो रहेगा, कलकत्ता में 100 सो रहेगा, अहमदाबाद में 200 सो रहेगा, चेन्नई में प्लस 10 प्लस सो रहेगा ही रहेगा, सूरत में 70 सो रहेगा। तो इस हिसाब से इतना सो रहेगा तो पठान इस हफ्ते कंटिन्यू 1 करोड़ के ऊपर कमाई कर ही लेगा। तो दोस्तों पठान ने जो रिकॉर्ड बुक कायम कर दिया है ना बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ये रिकॉर्ड हमेशा के लिए रहेगा, ये रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ा जाएगा, किसी भी एक्टर के लिए नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि पठान यानी शाहरुख खान ने 4 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक किया है, वो कमबैक स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा जो हमेशा रहेगा, जो कभी कोई एक्टर नहीं तोड़ पाएगा, खुद शाहरुख खान भी नहीं तोड़ पाएगा जो ऐसा रिकॉर्ड कायम कर। लेट सेलिब्रेट। जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए। एंड थैंक यू फॉर टीम पठान एंड एसआरके एंड सिद्धार्थ आनंद एंड को स्टार्स, सो थैंक यू।